सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है सुजुकी एक्सेस 125 के बारे में। कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो कलर ऑप्शंस की काफ़ी वाइड रेंज यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग। आज अपन लोग कवर करने वाले हैं टॉप एंड वेरिएंट। टॉप एंड वेरिएंट में टोटल 6 कलर ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ये रहने वाला है सबसे लेटेस्ट कलर ऑप्शन, सॉलिड आइस ग्रीन पर्ल मिराज वाइट। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा वाइट प्लस एक ये थोड़ा सा अलग ही ना ग्रीन का शेड, इसको आप लोग कह सकते हो। तो ये वाला ना कलर ऑप्शन काफ़ी अच्छा है विथ 10 ब्राउन सीट। तो कॉम्बिनेशन भाई ओवरऑल काफ़ी बेस्ट आप लोगों को ये फील होगा। कलर ऑप्शन अदर वेरिएंट में आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास देख सकते हो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो वीडियो में आगे चल के आप लोगों को लोअर वेरिएंट्स के कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्या कुछ आप लोगों को स्कूटी में मिलने वाला है। सबसे ज़रूरी चीज़ स्कूटी अपना रहने वाला है OBD2 एंड E20 अपडेटेड। तो अपडेटेड यानी कि लेटेस्ट एक्सेस 125 आज अपने पास अवेलेबल हो चुका है। पहले स्टार्ट करते हैं आज ना रियर से। तो रियर लुक एक्सेस का कुछ इस टाइप का आप लोगों को मिल जाता है। रियर में ही आप लोगों को फ्यूल टैंक भी रहने वाला है, फ्यूल कैप यानी कि फ्यूल फिलिंग भी आप लोगों की एक्सटर्नल वाली ही यहाँ पे रहने वाली है। इस टाइप से कुछ अपना एग्जॉस्ट है, क्रोम का यूज़ भी काफ़ी सारा मिल जाएगा और प्लस अलॉयज़ और ड्रम या फिर कह सकते हैं अलॉयज़ और स्टील रिम वाला ऑप्शन भी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग के साथ। तो टॉप एंड वेरिएंट ऑन रोड जयपुर कॉस्ट करने वाला है 1,06,817 रुपये, 1.06817 रुपीज़। टॉप एंड वेरिएंट कॉस्ट करने वाला है, बेस वेरिएंट की प्राइसिंग रहने वाली है 95,775। तो 95 से लेकर के 1.06 सो ये इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं क्या कुछ स्कूटी में आप लोगों को मिलने वाला है। तो काफ़ी सारों को लोगों का ये डाउट रहता है कि यार एक्सेस ना प्रॉपर मेटल बॉडी में आता है, तो भाई ऐसा नहीं है। पहले बात करते हैं अपन क्या कुछ मेटल पार्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो ये वाला अपना पैनल प्लस फ्रंट मडगार्ड ही आपका मेटल में रहने वाला है। ओवरऑल बॉडी आपका फाइबर में है, यहाँ तक कि रियर बॉडी जो है ये भी आपका फाइबर में ही रहने वाला है। सो होप कि ये वाला डाउट तो आप लोगों का क्लियर हो ही चुका होगा। ये वाला पैनल और फ्रंट मडगार्ड ही सिर्फ आपका मेटल में रहने वाला है। फ्रंट में बात करते हैं तो क्रोम का यूज़ हेडलैम्प हाउसिंग पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ड्यूल कंपार्टमेंट में यहाँ पे आपका हेडलैम्प रहने वाला है। LED में ही आपका कंप्लीट हेडलैम्प सेटअप यहाँ पे मिलने वाला है। ओवरऑल लाइटिंग सेटअप आपका हेलोजन में ही रहेगा, सिर्फ हेडलैम्प जो है ये अपने को LED में मिलेगा। तो इग्निशन के साथ अपर पार्ट अपना ऑन रहने वाला है हेडलैम्प का। फ्रंट नोज पे देखते हैं तो सुजुकी का लोगो आ जाता है क्रोम वाला। नंबर प्लेट की प्लेसिंग भी फ्रंट नोज पे ही आने वाली है। क्लैंप आपको फाइबर में मिलेगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी ना इस स्कूटी की देखने को मिलने वाली है आप लोगों को प्राइस के अकॉर्डिंग। और प्लस यहाँ पे हेडलैम्प के साथ आपका ये वाला पार्ट भी ऑन रहने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा लुक देने वाला है। साइड पैनल पे ही या फिर कह सकते हैं अपर चेस्ट पे ही आप लोगों को इंडिकेटर की भी प्लेसिंग रहने वाली है क्लियर ग्लास में, हेलोजन वाला सेटअप। फ्रंट मडगार्ड आप लोगों ने देख ही लिया, मेटल में फ्रंट मडगार्ड रहने वाला है। फ्रंट में ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है निसिन की। तो ब्रेकिंग सेटअप सेम है जैसा कि आप लोगों को बर्गमैन में भी मिलता है, एवेनिस में भी मिलता है। और बर्गमैन और एवेनिस के वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है सेम इंजन के साथ, आप लोगों को ऑप्शन यहां पर ना एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। सो कुछ इस टाइप का आप लोगों को फ्रंट में डिस्क रहने वाला है, लगभग 160-180 mm के अराउंड फ्रंट में डिस्क है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। निसिन की ब्रेकिंग आपको फ्रंट में मिलने वाली है। अलॉयज़ का शेप देखते हैं तो कुछ इस टाइप का अपना अलॉयज़ का शेप रहने वाला है। अलॉयज़ प्लस यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है डिस्क और ड्रम का ऑप्शन भी लोअर वेरियंट्स में मिलने वाला ही है। और अलॉयज़ का जो कलर है वो भी आप लोग चेंज हो सकता है 90-90-12। 12 इंच का आप लोगों को यहाँ पे फ्रंट में टायर रहने वाला है। टायर है ये मैक्सिस का, तो ब्रांड अपना चेंज भी हो सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मडगार्ड का पार्ट रियर वाला फाइबर में ही रहने वाला है। तो फ्रंट लुक ये हुआ अपना कम्प्लीट। रियर व्यू मिरर देखते हैं तो यहाँ आप लोगों को क्रोम का यूज़ देखने को मिलेगा, पर इतना ज़्यादा क्लियर क्रोम ना ये वाला आपका नहीं रहने वाला, थोड़ा सा ब्रश्ड क्रोम ये वाला आपको फील होगा। ये रहा अपना ब्रेक लीवर, बार एंड्स भी आपको फाइबर में ही मिलने वाले हैं। ये रहा भी अपना अपर दूसरी साइड का ब्रेक लीवर और बार एंड कवर। ये रहा भी आपका डैश का सेटअप बीच कलर टोन में, ये वाला पूरा सेटअप आपको मिलेगा। डिजिटल MID सेटअप रहने वाला है विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अभी अपन इस पर भी आते हैं। ये रहा भाई आपका लोअर डैश, यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा जो कि इल्यूमिनेटेड वाला प्रॉपर रहने वाला है जैसा कि बर्गमैन में भी मिलता है। एक स्टोरेज स्पेस फ़ोन वगैरह रखने के लिए यहाँ पर आ जाता है। इग्निशन आपका रेगुलर जो शटर वाला आता है वही रहने वाला है। सीट की बात करते हैं तो सीट आपका 10 ब्राउन कलर में रहने वाला है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बन जाता है। फुटबोर्ड का साइज़ काफ़ी अच्छा है, एक लगेज हुक फ्रंट डैश पे है और एक डी टाइप हुक आपका फुटबोर्ड के लिए भी मिल जाता है। रियर बॉडी पे देखते हैं तो एक्सेस 125 राइट कनेक्ट एडिशन, सुजुकी इको परफॉर्मेंस की ब्रांडिंग मिल जाती है। प्लस इस टाइप से कुछ रबर कवरिंग के साथ आपका फुट पैक रहने वाला है। एग्जॉस्ट पे क्रोम में आपका हीट शील्ड है, यहाँ का क्रोम क्वालिटी काफ़ी बेस्ट मिल जाता है। रियर टायर का सेटअप देखते हैं तो वही एक तो मैक्सिस का ही टायर रहने वाला है और अलॉयज़ का शेप कुछ इस टाइप का है। टायर की ग्रेडिंग रहने वाली है 90-110,
10 इंचेस का रियर है, 12 आपका फ्रंट था। इस टाइप से कुछ आपका टिल्ट आईडी वाला सेटअप है। नंबर प्लेट की प्लेसिंग आ जाती है, रिफ्लेक्टर तीन पीस रिफ्लेक्टर आ जाता है रियर। इस टाइप से कुछ इग्निशन के साथ ऑन रहने वाली है। टेल लैम्प सुजुकी की ब्रांडिंग भी आप लोगों को टेल लैम्प पे ही मिलने वाली है। ये अपना E20 का स्टिकर। इस टाइप से कुछ आपका फ्यूल कैप है जो कि एक्सटर्नल कवरिंग के साथ ही आने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है टोटल 5 लीटर की। 5 लीटर का ही यहाँ पे आप लोगों को फ्यूल टैंक है। ये रहा सिंगल पीस में आपका ग्रे ब्रेल अपोजिट साइड से, सेम वही वाला सेटअप है सारा कुछ क्रोम में एक्सेस 125। इंजन की बात करते हैं तो इस ड्यूल में स्टार्टिंग ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है कि BA+ सेल्फ, तो खैर ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ है ही। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं पहले तो 124cc का एयर कूल्ड SOSC 2-valve इंजन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है जो कि सेम है एवरेज में भी मिलता है। बर्गमैन में थोड़ा सा रीट्यून इसे कर दिया जाता है पर मोर और लेस आप लोगों को सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। पावर की बात करते हैं तो 8.7 PS का पीक पावर और 10 Nm का आप लोगों को यहाँ पर टॉर्क रहने वाला है CVT गियरबॉक्स के साथ। स्कूटी का जो टोटल वेट है वो रहने वाला है अपना 103 kg फॉर ड्रम वेरिएंट और 104 kg फॉर डिस्क वेरिएंट। तो 1 kg का डिफरेंस वेरिएंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेंटर स्टैंड साइड स्टैंड दोनों मिल जाता है विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, तो काफ़ी अच्छा सेटअप। ये प्रैक्टिकलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पर होने वाली है। स्विचेस की बात कर लेते हैं तो ये आ जाता है भाई अपना हाई बीम लो बीम इंडिकेटर। इस टाइप से सिंगल बजर में काफ़ी लाउड ऑन है। राइट साइड पे 3-in-1 है किल स्विच प्लस आपका स्टार्टर। सो ये हुआ इस टाइप से कुछ अपना राइडर्स POV बनने वाला है। रियर व्यू मिरर आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा साइज़ हो जाता है। सर्कुलर शेप में थोड़ा सा रेट्रो लुक देने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और फुटबोर्ड जो है वो भी ना डैश के कलर में ही रहने वाला है, तो मैट का यूज़ यहाँ पे भाई आप लोगों के लिए एक नेसेसरी हो जाता है क्योंकि ये चीज़ ना फुट प्लेसिंग से काफ़ी ज़्यादा गंदा होने का इशू रह सकता है, प्लस ये वाला पार्ट भी। तो थोड़ा सा रेगुलर क्लीनिंग की ड्यूटी वही लगने वाली है अगर आप लोगों को यही कलर ऑप्शन के साथ एक्सेस लेना है। तो MID में बात करते हैं तो पहले देखते हैं MID का स्टार्टअप। इग्निशन अपन ऑन करते हैं तो इस टाइप से यहाँ पर पूरा सेटअप आता है। ये वाला विंडो बन जाता है BT पेयर मोड, जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसके बाद भी मिल जाती है। दोनों ही साइड पे आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है सारी वार्निंग लाइट्स, स्पीडोमीटर, इंजन टेम्परेचर, क्लॉक यहाँ से विजिबल रहेगा क्लॉक। ये आ जाता है आपका ओडोमीटर, दो स्विच मिल जाते हैं इसे चेंज करके देखते हैं। तो ये आ जाता है अपना ट्रिप ए ट्रिप बी बैटरी वोल्टेज एंड ओडोमीटर, दो ट्रिप मीटर है ओडोमीटर आ जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप लोगों को मिलना है ही, चार्जिंग पोर्ट भी है जो कि काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है भाई जब चीज़ होती है ना तब ये यूज़ में भी आने वाली है ही। तो कैसा लगा आप लोगों को एक्सेस 125 कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना। एक्सेस लेने का प्लान कर रहे हो, वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल भी कर लेना। और कलर ऑप्शन आप लोगों को कौन सा पसंद आया वो चीज़ भी आप लोग ज़रूर से शेयर कर सकते हो। ये रहा भाई अपना मैट ब्लू, थोड़ा सा ग्रे स्टोन, ब्राउन स्टोन जो कि भाई काफ़ी बेस्ट हो जाता है। मैट ब्लू अपने पास एक यहाँ पर भी है। उसके अलावा तो कलर ऑप्शन भाई एक बार दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को ना, ये हो जाता है अपना बर्गमैन का लाइनअप, एवेनिस वाइट। ये रहा एक्सिस में मैट ब्लैक और ग्लॉसी ब्लू विथ 10 ब्राउन सीट। तो ये हुआ भाई अपने एक्सिस के सारे ही वीडियो कंप्लीट। और शोरूम की डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जयपुर एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने ऋषभ सुजुकी पे ही वीडियो शूट हो रहा है और यहाँ से देख सकते हो भाई जो फ्रंट नोज पे जो DRL कह सकते हो, लाइट्स कह सकते हो, ये आप लोगों को ना ऑन रहने वाली है इग्निशन के साथ। तो करते हैं अपने ये वाला वीडियो एंड और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।